पांचवे का तीसरा खंड देखो। प्रश्न है y अपॉन टू प्लस z अपॉन थ्री होल घाते थ्री माइनस y अपॉन टू माइनस z अपॉन थ्री और इसका भी घात थ्री है, तो इसके लिए आप पहले सामान्य फार्मूला लिख लीजिए p प्लस क्यू का घन और p माइनस क्यू का घन। पिछले क्वेश्चन में भी यही था। अब समीकरण एक और दो इसको नंबरिंग कर दो और समीकरण एक और दो को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कैंसिल होगा, पहला पद और तीसरा पद। ऊपर नीचे देखो, पहला पद और तीसरा पद जो है जब घटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बराबर है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, दूसरा और चौथा। तो दूसरा देखो थ्री थ्री करके है तो ये सिक्स टाइम्स पी स्क्वायर क्यू, और चौथा जो है वो दोनों पॉजिटिव हो गया तो डबल ऑफ क्यू घाते थ्री। अब इसमें p और q का वैल्यू देख लीजिए, p का वैल्यू है y अपॉन टू और q का वैल्यू है z अपॉन थ्री। ये वैल्यू यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दीजिए और जो राइट साइड है इसमें भी p और q का वैल्यू प्रतिस्थापित करिए। अब इनके मान को जो घात है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो y अपॉन टू का पावर जो है वो टू है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और जेड, और जो नंबर्स हैं इसमें देखो टू थ्री तो टू का वर्ग होगा तो फोर, थ्री और ऊपर सिक्स है तो यहां पे केवल टू बचेगा, और दूसरे पद में जेड अपॉन थ्री का घन है तो जेड का घन होगा और नीचे थ्री है तो उसका घन जो होगा वो 27। तो इसका वैल्यू आ गया आपका वाई स्क्वायर जेड अपॉन टू प्लस टू जेड क्यूब अपॉन 27। दैट्स ऑल।